सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप श्रावण महीने में सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं या पूजा विधि जानना चाहते हैं कि इस प्रकार से पूजा शिव जी की जाती है, तो इस वीडियो में आपको व्रत के नियम एवं किस प्रकार से व्रत होता है, किस प्रकार से शिव जी की पूजा की जाती है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए, श्रावण में सोमवार की पूजा विधि, इसका बहुत ही महत्व है। सोमवार को जो भी भगवान शिव का व्रत करता है, उनकी पूजा करता है, शिव जी का विशिष्ट आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। सोमवार का व्रत करने से बच्चों की बीमारियां, दुर्घटना या अकाल मृत्यु का भय, फिर मन चाहा जीवन साथी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन में अगर समस्याएं हैं और मनुष्य की किसी भी विशिष्ट कामना, कोई भी अभिष्ट कामना आप शिव उपासना से पूरी कर सकते हैं। शिव महापुराण में कहा गया है कि शिव की उपासना, शिव का व्रत करने से मनुष्य के समस्त रोग, समस्त पाप एवं व्याधि उससे कोसों दूर चले जाते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ किस प्रकार से पूजन होता है, किस प्रकार से व्रत के नियम है। अगर आपने श्रावण के सोमवार का व्रत रखा है या तो आप रखना चाहते हैं, तो व्रतधारी को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान मिलता है। सबसे पहली शर्त, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, ब्रह्म मुहूर्त का काल सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। अगर आप 6 बजे तक नहीं उठ सकते तो आप कम से कम 7 बजे तक उठ जाए और उठकर आपको शुद्ध जल से स्नान करना होता है। जिस जल से आप स्नान करने वाले हैं उसमें काले तिल थोड़े से आप डालकर उससे आप स्नान कीजिए। सबसे पहले उठकर यानी कि स्नान से पूर्व जब भी आप अपनी शैया से उठते हैं, सबसे पहले भगवान शिव का आप ध्यान करें, उनका स्मरण करें। इससे व्रत की सबसे अच्छी शुरुआत होती है। बाद में आप काले तिल मिश्रित जल से आप स्नान कर लीजिए। एक दिन आप शावर से स्नान नहीं करेंगे तो चलेगा, आपको तिल डालकर स्नान करना है। फिर आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, शुद्ध जल से या तो फिर गंगा मिश्रित जल से, यानी कि गंगा जल से। लेकिन अगर आप कोई अपनी विशिष्ट कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं और विशिष्ट अवसर पर शिव जी का अभिषेक अलग चीज़ों से किया जाता है, आप दूध, दही, घी, शहद आदि से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। सरसों के तेल से भी शिव जी का अभिषेक किया जाता है, चने की दाल का प्रयोग भी किया जाता है और काले तिल का प्रयोग किया जाता है। आप सबसे पहले शिव जी को शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए, उसके बाद आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार दही, घी, शहद, दूध इससे स्नान करवाइए। नहीं तो फिर आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत में सभी चीज़ों का मिश्रण होता है। जलाभिषेक करते समय आप लोगों को शिव जी का मंत्र बोलना चाहिए। अभिषेक करते वक्त मंत्र बोलने का बहुत ही महिमा है। अभिषेक करते वक्त आपको किसी न किसी प्रकार का मंत्र बोलना चाहिए जो भगवान शिव से रिलेटेड हो। आप ओमकार बोल सकते हैं, ओम बोल सकते हैं, आप पंचाक्षरी बोल सकते हैं, फिर आप महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं, अघोर मंत्र बोल सकते हैं। भगवान शिव के बहुत सारे मंत्र हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो जलाभिषेक करते समय या तो पंचामृत उनको अर्पित करते समय भगवान शिव के जो 5 मुख बताए गए हैं उनके नाम भी अगर आप बोलोगे तो किसी मंत्र की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान शिव के 5 मुख हैं। पहला है सद्योजात, दूसरा शिव जी का मुख है वामदेव, तीसरा शिव जी का मुख है अघोर, चौथा मुख उनका है ईशान और आखिरी मुख है तत्पुरुष। इन सभी नामों का उच्चारण करने से, जैसे कि ओम सद्योजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ये मंत्र से भी अगर आप शिव जी की पूजा करोगे तो भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके पश्चात आपको पंचाक्षरी मंत्र बोलकर यानी कि ओम नमः शिवाय बोलकर श्वेत फूल, श्वेत चंदन, अखंड चावल यानी कि अखंड अक्षत, पंचामृत, सुपारी, फल, गंगा जल या साफ पानी, इससे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। मंत्र जाप जब भी आप करें
तब आपका कंसंट्रेशन जितना हो सके पूरा शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए। शिवलिंग का एक तरह से ध्यान करके आप शिव जी की पूजा करें, अपने मन को इधर उधर आप भटकने ना दें। अगर आपने व्रत किया है तो उसके बाद शिव पार्वती के श्रावण महीने के सोमवार की जो कथा आती है उसका पाठन करें, उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें, उनको भोग लगाएं और परिवार में बांटकर प्रसाद बांटकर उसके बाद ही आपको इसको ग्रहण करना चाहिए भोग को। अगर आपने व्रत रखा है तो आप दिन में एक ही बार बिना नमक का भोजन करें, दूसरी बार भोजन करना वर्जित बताया गया। अगर आप पूर्ण विधि विधान से सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो सोमवार को एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप शिव का जलाभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, उसके बाद गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना ना भूलें, क्योंकि इससे चंद्र ग्रह से जुड़ी जो भी समस्या है वो तत्काल दूर हो जाती है। क्योंकि दूध और चंद्र दोनों का एक गुण है जो कॉमन है, जिसे शीतलता कहते हैं। तो भगवान शिव के ऊपर कच्चा दूध गाय का चढ़ाने से चंद्र से जुड़ी जितनी भी समस्या है, चंद्र मन का कारक है, इसलिए आपकी मानसिक जो भी समस्या है, मानसिक जो भी उत्पीड़न है वो भी इससे समाप्त होता है। तो कच्चा दूध चढ़ाना आप ना भूलें, कभी भी बंद डिब्बे का दूध आप शिव जी को ना चढ़ाए, पैकेट का दूध आप शिव जी को ना चढ़ाए, कच्चा दूध जो फ्रेश होता है उसको शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। अगर आप व्रत करते हैं तो सबसे पहले आप नियम जान लीजिए, रात्रि से रात्रि व्रत कभी भी नहीं होता। कई लोग रात को 12 बजे से व्रत शुरू करते हैं 12 बजने के बाद, और 12 बजने के बाद वो लोग खा लेते हैं फिर से। इस तरह से कभी भी व्रत नहीं होता, ये व्रत का नियम है ही नहीं। व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक होता है। अगर आप व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक नहीं कर पाते तो आप सूर्यास्त तक भी कर सकते हैं, यानी कि श्रावण के सोमवार को जब सूर्योदय हो तब से लेकर उस दिन के सूर्यास्त तक भी आप व्रत कर सकते हैं, अगर आप पूरा दिन नहीं कर पाते तो। श्रद्धा से व्रत करें, श्रद्धा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि शिव पुराण में एक ही बात बारंबार बताई गई है कि भगवान शिव श्रद्धाग्रही है, उनको सबसे ज़्यादा श्रद्धा एवं भाव ही प्रिय है। कुछ आपको और मैं नियम बता देता हूँ जो आपको नहीं करने चाहिए श्रावण के सोमवार को। दूध का सेवन आप लोग ना करें, बैंगन का प्रयोग ना करें, बुरे विचारों से दूर रहिए, मन में बुरे विचार को आप ना आने दें, हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। लाचार, विधवा, अपने पिता, फिर अपने गुरु, अपनी बहन, इनका अपमान कभी भी ना करें। शिवलिंग के ऊपर आप हल्दी ना चढ़ाएं, मांस और शराब का सेवन भूल से भी ना करें। वृक्षों को या किसी भी पेड़ पौधे को आप काटे नहीं, किसी भी जीव की हिंसा ना करें। इस प्रकार से पूरा व्रत विधि विधान से संपन्न होता है और भगवान शिव आपको मनचाहा वर देते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।